आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सबको पता होगा कि आज हमारा जो बजट 2021 ट्वेंटी पेश हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा जिसमें हम फाइनेंस बिल को डिस्कस करेंगे और फाइनेंस बिल 2021 के बारे में आ, कुछ वीडियोस के थ्रू क्योंकि बिल काफ़ी लंबा है 300 पेज के करीबन का बिल है तो इसको हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे और जो मेन मेन टॉपिक होंगे उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे ताकि आप ये डिसीजन ले सके कि फाइनेंस बिल का क्या ये पोर्शन आपके लिए है या नहीं ठीक है तो आज हम देखेंगे फाइनेंस बिल 2021 इसके डिस्कशन लेकर आएंगे एवरी सिंगल डे तो फाइनेंस बिल जब हम जानते हैं होता है तो फाइनेंस बिल होता क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फाइनेंस बिल होता क्या है तो आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि फाइनेंस बिल एक तरीके का मनी बिल है ठीक है और ये यूनियन बजट यानी बजट के साथ पेश किया जाता है जो कि जनरली एक फरवरी को होता है ठीक है और इसमें कई सारे लीगल चेंजेस अमेंडमेंट्स लिए लाए जाते हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज करते हैं फॉर द टैक्सेशन बेनिफिट ठीक है और इसमें ये जो अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं बहुत सारे लॉज हैं जिसमें यानी जो लॉज है उसमें चेंजेस इंक्लूड किया जाता है इसमें ठीक है बहुत सारे टैक्स के जो प्रपोजल होते हैं यूनियन बजट में पेश किए जाते हैं ठीक है थीके? तो फाइनेंस बिल क्या है भाई बजट और बिल में अंतर है तो फाइनेंस बिल एक ऐसी चीज है इसको एक तो मनी बिल बोला गया है और जब कोई भी जो बिल होता है अगर वो फाइनेंस बिल या मनी बिल होता है ठीक है बिकॉज अभी भी डिफरेंस है आपका फाइनेंस बिल और मनी बिल में भी डिफरेंसेस हैं लेकिन फाइनेंस बिल जो है आपका ठीक है वो लोकसभा के द्वारा यानी लोअर हाउस ठीक है ऑफ द पार्लियामेंट यदि सेंट्रल लेवल के ले ठीक है लोअर हाउस इसे पास कर लेती है तो ये बन जाता है एक्ट ठीक है और लोकसभा के अप्रूवल के बाद जब ये एक्ट बन जाता है तो ये एज इट इज एप्लीकेबल हो जाता है ऐसे बजट के टाइम में जब बजट स्पीच होती है तो कई सारे लॉज के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में मेंशन में करते हैं बट ये जो बिल है क्या वो इंडिविजुअल लॉज है सपोज करो दस लॉज हैं और हर लॉ में कुछ कुछ चेंजेस उन्होंने बताया है तो बिल ऐसे चीज है फाइनेंस बिल एक ऐसी चीज है कि उन सारे लॉज में साइमटेनियसली एक ही साथ एमेंडमेंट लेकर चला आता है सेपरेटली एक एक लॉ के लिए सेपरेट बिल पास करने की जरूरत नहीं होती तो इसीलिए फाइनेंस बिल बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और इसका बजट से कनेक्शन ये है कि बजट स्पीच में बजट में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि टैक्सेशन में हमारे बिल में क्या चेंजेस आएंगे क्या क्या नई चीजें जो है एक्सपेक्टेड की गई है हमारे लॉ में और क्या क्या चेंजेस हमारे कंट्री के इंडिविजुअल बेनिफिट सिटीजन के बेनिफिट और कंट्री के इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए लाई जा रही हैं बिल के दौरान इन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा और बिल जो है जनरली ये मानते हैं कि वो एक्ट आराम से बन जाता है बिकॉज कि वो लोअर हाउस है और जो रनिंग गवर्नमेंट है वो उसको प्रेजेंट करती है इट्स डेफिनेटली प्रूव्ड बाय द लोअर हाउस दैट इज अ लोअर हाउस दैट इज़ अ लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है सो ये बेसिक आइडिया है और डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं कि बिल क्या होता है बजट क्या होता है अगर आपके ऐसी कोई क्वेरी है जो कि आपकी बहुत ही बेसिक क्वेरी है और आपको ये जानना है कि बजट क्या होता है बिल क्या होता है देखिए हर सिटीजन को हर इंडिविजुअल को चाहे आप कोई कोर्स कर रहे हैं या नहीं आपको पूरा हक हाँ है बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक बेसिक नॉलेज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करने का तो अगर आपका ऐसे कोई डाउट है कि आपको बजट क्या होता है यही नहीं पता है या बिल क्या होते हैं ये नहीं पता है तो उसके लिए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे हम उसको सेपरेटली जो है लेकर आएंगे ताकि बाकी जो आ, हमारे लिसनर्स हैं उनको अगर उसकी ज़रूरत होगी तो वो रिफर करेंगे अदरवाइज़ वो स्किप कर सकते हैं ठीक है तो फाइनेंस बिल क्या होता है बेसिकली हमने ये समझ लिया अब जो ये एक्ट जो बिल है मैंने कहा ये लोकसभा में पास होगा जो कि जनरली रनिंग गवर्नमेंट होती है और पास हो जाता है तो ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट ऑफ 2021 क्या बन जाता है फाइनेंस एक्ट ऑफ 2021 ठीक है इसमें कुछ सेक्शंस में चेंजेस लाए गए हैं और सेक्शन टू टू सेवेंटी नाइन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा एक अप्रैल दो हजार इक्कीस से और बाकी जो सेक्शंस हैं ठीक है ठीके? जो उसमें चेंजेस लाए गए हैं वो जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी तब तक उसमें चेंजेस तब से एप्लीकेबल हो जाएंगे बाकी सेक्शन जो 2 से 79 है वो विद इमीडिएट इफेक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से ठीक है उसके बाद जो असेसमेंट ईयर है वो हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से एंड होगा 31 मार्च 2020 नहीं तो उसको क्लियर कर लेंगे ऑलरेडी कवर किया गया है तो इस बिल में ये बताया गया है कि जो रेट आपके पार्ट वन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में मैंशन है ठीक है वही रेट एप्लीकेबल होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे बाई दि सर्च चार्ज ठीक है जो कि यूनियन पर्पज के लिए होते हैं ठीक है ठीके? सो देखते कौन कौन से रेट है ठीक है सो जो टैक्स रेट आपके पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में है ठीक है जो कि एसेसमेंट ईयर वन एंड ट्वेंटी टू के लिए है एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ आई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो उन रेट्स को देख लेते हैं ठीक है एस एस सी में आपके जो है रेट ऑफ इनकम टैक्स हैं अदर देन दोज मैं इन सेकेंड एंड थर्ड बिलो जो हम सेकेंड एंड थर्ड बिलो डिस्कस करेंगे उनके अलावा जो लोग हैं वो इसमें कवर होंगे एच यू एफ सारे कवर होंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ठीक है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इस क्लॉज uh, में फॉल करेंगे ठीक है और ये रेट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे तो क्या है रेट ढाई लाख रुपए तक निल है आपका टैक्स रेट और ढाई लाख जैसे एक रुपए हो जाता है लाख और तीस परसेंट है यानी कि अगर आप इनकम टैक्स ऐसे सी है और स्लैब हम अभी रिबेट की बात नहीं कर रहे हैं हम कोई डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं स्लैब के अकॉर्डिंग ढाई लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है ढाई से पांच है पांच और पाँच से दस है बीस परसेंट ठीक है और अबव टेन है थर्टी परसेंट ठीक है तो टेन परसेंट का कोई स्लैब नहीं है ठीक है उसके बाद एक जो नेक्स्ट स्लैब है जो कि इंडिविजुअल के केस में ही एप्लीकेबल है इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ये हर के लिए एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एच यू एफ एओ पी ठीक है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अदर देन दीज इंडिविजुअल कौन से इंडिविजुअल ये वो इंडिविजुअल है जिनकी उम्र साठ साल या उनसे ज्यादा है ठीक है लेकिन इनकी उम्र अस्सी साल से कम है एट एनी टाइम एक अब आप बोलेंगे यार कि एक अप्रैल को इनकी उम्र साठ साल हो गई तो वो आपका जो है जब एक अप्रैल को आपका असेसमेंट स्टार्ट होता है तो उस डे को हम काउंट कर लेते हैं और थर्टी फर्स्ट मार्च को अगर ये होता है तो हम उसे काउंट नहीं करते क्योंकि एनी टाइम बोला गया है एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर ठीक है तो सिक्सटी ईयर्स और मोर यानी साठ साल का है या साठ साल से अधिक का है उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा ये स्लैब क्या है स्लैब तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं है ध्यान देंगे इससे पहले वाले स्लैब था ढाई लाख तक का तीन लाख तक कोई स्लैब नहीं है नील है टैक्स रेट आपका तीन लाख एक रुपए से लेके पांच लाख तक फाइव परसेंट है पांच लाख एक से लेके दस लाख तक बीस परसेंट है और दस लाख से अधिक पे 30% है ठीक है तो कैच यहाँ पे यही है कि वहाँ पे 2.5 लाख था लिमिट और यहाँ पे हैं तीन है 3 लाख का लिमिट नेक्स्ट जो स्लैब है इंडिविजुअल के लिए ये हर वो इंडिविजुअल के लिए जिनकी उम्र है 80 साल या उससे ज्यादा एट एनी टाइम यानी पूरे साल में कभी भी अगर वो 31 मार्च को भी हो जाते हैं 80 साल के तो भी ये स्लैब उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है so, सो क्या है स्लैब देखते हैं ठीक है ठीके? आपका पांच लाख तक नील है इससे पहले तीन लाख तक नील था उससे पहले ढाई लाख तक नील है लेकिन अब यहाँ पे पांच लाख तक का नील है और फाइव परसेंट का कोई टैक्स रेट नहीं है पांच लाख एक रुपए से लेकर के दस लाख तक बीस परसेंट का टैक्स रेट है और दस लाख से अब पे तीस परसेंट का एक्स रेट है तो ये बेसिक स्लैब रेट है जो कि एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 21 के लिए सो आई होप आपको ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये जो हमारे फाइनेंस बिल में आया है जो इनिशियल फेस है ऐसे बहुत सारी जानकारी हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे कि हमारे बिल में क्या आया है बिल ऑन एंड एर अराउंड 300 प्लस पेजेस का है इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस के साथ लेकर आएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि आपके लिए वो बिल का जो हेडिंग है वो जो टॉपिक है यूज़फुल है कि नहीं आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करके अपना जो कीमती वक्त है इस वीडियो सेशन को देंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो बाकी और लोग को भी शेयर करेंगे बिकॉज़ जो बेसिक जानकारी हमारे इकोनॉमिक की बजट के रिस्पेक्ट में या और कोई भी जो ये इकोनॉमिकल जानकारी है हर सिटीज़न को होनी चाहिए तो इसीलिए इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और अगर आपकी कोई क्वेरी रह है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं ठीक है सो हमारे साथ यहां पर जुड़े रहें फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में बजट के फाइनेंस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी